वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाएंगे पार्ले की कच्चा मैंगो बाइट। ये टॉफ़ी आपने ज़रूर खाई होगी, ये कच्चे आम से बनती है। जब आप इस टॉफ़ी को एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। 250 ग्राम मैंने यहाँ पर कैरी ली है। कैरी को हमें कट करना है, तो सबसे पहले हम इनके छिलके उतारेंगे। इस तरह देख के बड़ी आसानी से उतर जाते हैं, तो सभी के अब हम छिलके उतार लेते हैं। छिलके उतारने के बाद इसके हमें पीसेस करने हैं। पीसेस हो जाने के बाद इन्हें हमें मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के हमें इनको बारीक पेस्ट तैयार करना है। इस तरह का हमें ये पेस्ट तैयार करना है। अब इसे हमें छानना है, तो इस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें छानेंगे और मिक्सी के जार में 1/2 कप पानी डाल देंगे और ये पानी भी हम इसमें डाल देंगे और सभी को हम छान लेते हैं। इस तरह मैंने इसको पूरा अच्छे से छान लिया है। ऊपर का पार्ट हम हटा देंगे और नीचे का पार्ट को हम काम में लेंगे। इस जूस को हम कांच के गिलास में डाल देते हैं। 5 मिनट इसको हम इसी में रहने देंगे, तब तक हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। गैस पे मैंने पैन रख दिया है, तो 1/2 कप हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और 1/4 कप हम इसमें डालेंगे पानी और सभी को मिक्स करेंगे। हमें इसकी गाढ़ी चाशनी तैयार करनी है। चाशनी गाढ़ी होती है, तब तक हम चलते हैं गिलास की तरफ। इसको हमें किसी गहरे बर्तन में रखना था, तो मैंने यहाँ पर इसको कांच के गिलास में रखा है। 5 मिनट जब हम इसको रखने के बाद हम देखेंगे, तो आप देखोगे कि इसमें जो है 2 पार्ट हमें इसके दिखाई दे रहे हैं। नीचे तो पल्प दिखाई दे रहा है, ऊपर जो है बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर जूस दिख रहा है। यदि आप क्लियर कैंडी चाहते हैं तो जूस का इस्तेमाल करें। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। चाशनी को हमें गाढ़ा करना है। थोड़ा सा डाल देंगे हम ग्रीन फूड कलर, क्योंकि हम मैंगो बाइट टॉफी बना रहे हैं। अब हमें ये बैटर डालना है इसमें और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसको गाढ़ा करना है। 1 टीस्पून इसमें अब हम काला नमक भी डाल देते हैं और इसको अब हम चलाते रहेंगे बीच बीच में। हमें इसको छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है। बहुत ही अच्छी और टेस्टी टॉफी बनकर तैयार होती है। आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। सबसे मेन पॉइंट अब यह है कि जो हमें आसपास में जो स्टार्च दिखाई दे रहा है, ये अब हमें निकालना है। ये निकालना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो कैंडी में भी क्रिस्टल आ जाते हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। यदि आप स्टार्च निकाल देते हैं तो कैंडी हमारी ठोस जमेगी, उसमें क्रिस्टल नहीं होंगे। हमें इसको थिक होने तक पकाना है। इस तरह आप देख के ऊपर बबल्स आने लग गए हैं, इसका मतलब है कि बैटर जो है अब हमारे जमाने जैसा हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और बैटर को जो है अच्छे से हम ठंडा होने देंगे। ज्यादा ठंडा भी हमें नहीं करना है, उतना ठंडा करना है कि हम इसको सेट कर सके। टॉफी को जमाने के लिए मैंने इस तरह का टॉफी मोल्ड लिया है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप आइस ट्रे भी ले सकते हैं। एक बात का हमें ध्यान रखना है, बैटर जो है हमारा ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिलिकॉन पैड है। यदि ज्यादा हम गर्म डालेंगे तो ये गल सकता है। बैटर जो है हमारा ठंडा हो गया है, अब इसे हम जमाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें डालना है। जितना बैटर आएगा उतना ही हमें इसको भरना है। अच्छी तरह से एक बार हम इसको टेप कर देते हैं। 30 से 40 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही सेट होने के लिए रख देंगे। जब 30 से 40 मिनट हो जाएंगे तब हम इसको चेक करेंगे। बच्चों को ये टॉफी बहुत पसंद आती है, तो बच्चों ने ये टॉफी कुछ तो खा ली है। टॉफी को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं। इस तरह देखिए बड़ी आसानी से निकल जाती है। इस तरह हम सभी टॉफी को निकाल लेते हैं। ये देखिए टॉफी को मैंने बाहर निकाल दिया है। बहुत ही अच्छी टॉफी हमारी बनकर तैयार हुई है। खाने में टॉफी बहुत ही अच्छी बनी है, क्योंकि हमने इसमें ओरिजिनल रॉ मैंगो का यूज किया है। किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव का यूज हमने नहीं किया है। इस तरह घर पे ही हम मैंगो बाइट टॉफी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं।
यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।